स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मित्र पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जो ये वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए खासकर है, जो भी 10वीं 8वीं और 12वीं की जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना की जानकारी देने जा रहा हूँ राजस्थान सरकार की, जिसमें मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना ये है, जिसमें लैपटॉप वितरण किया जाता है। इसमें वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कितनी परसेंटेज पे लैपटॉप दिया जाता है, क्या क्या इसमें पात्रता रखी गई है, ऑनलाइन आवेदन कैसे किए जाते हैं इसके, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो राजस्थान सरकार की योजना है कि 10वीं 8वीं और 12वीं के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप वितरण किए जाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आज अपन बात करने वाले राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम 2022-23 की अपन बात करने वाले। राजस्थान मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना राज्य में 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार फ्री लैपटॉप वितरण करती है। इस योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा की गई थी। इस योजना में फ्री लैपटॉप जो स्कीम है लैपटॉप, उसका उद्देश्य है छात्रों को प्रोत्साहित करने का, और इसके लिए श्रेष्ठ छात्रों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान में फ्री लैपटॉप वितरण योजना की छात्र को पढ़ने में मदद मिलेगी और उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने का के लिए हौसला दिया जाएगा। देखिए, ये शिक्षा जो है, ये योजना जो है वसुंधरा सिंधिया द्वारा चलाई गई थी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो थी उनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी। उसके तहत जो है, जो अच्छे नंबर लाते हैं उन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए फ्री लैपटॉप दिया जाता है, डिजिटल से जो डिजिटल शिक्षा है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उनको जो है फ्री में लैपटॉप उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं इस योजना में। अब देखिए, इसका जो पात्रता रखी गई है वो मैं आपको बता देता हूं कि कितने आपको नंबर लाने। आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। यह योजना सिर्फ राजस्थान के जो मूल निवासी स्टूडेंट उनके लिए ही है, बाहर के राज्यों के लिए योजना नहीं है। आपके पास राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए, आप राजस्थान के स्थायी निवासी होते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। 8वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड की कक्षा और 12वीं बोर्ड के जो स्टूडेंट इसमें पात्र होंगे। इस योजना के केवल वही छात्र पात्र होंगे जिनकी बोर्ड परीक्षा में 75% या 75% से अधिक अंक आए। यानी आपकी अगर बोर्ड परीक्षा में 75% या 75% से अधिक आए तो आप इस योजना के पात्र होंगे। मेरिट सूची का अनुसार 8वीं कक्षा में 6000, 10वीं कक्षा में 6300 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा में 9000 विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय जो है 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यानी जो आपकी वार्षिक आय है वो 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय आपके परिवार की, और साथ ही साथ आपके जो है या तो 75% हो बोर्ड क्लास में या आपके उससे अधिक हो। ये तो पात्रता हो गई। चलिए और आगे इस योजना की बात कर लेते हैं आप। अब देखिए, निशुल्क जो लैपटॉप वितरण योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को निशुल्क जो है लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। यह राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम योजना विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी और पढ़ने के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुफ्त लैपटॉप योजना के माध्यम से शिक्षा का स्तर में जो है बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अच्छी डिजिटल शिक्षा के लिए लैपटॉप ज़रूरत पूरी होगी। जो डिजिटल से सीखना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं डिजिटल शिक्षा सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उसकी जो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है। इस राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम से पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को फ्री मिलेगा। जो अच्छे नंबर लेके आएंगे उन्हें फ्री मिलेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा कि भाई लैपटॉप मिल रहा है, हम अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी परसेंटेज बनाए, साथ ही साथ आपको डिजिटल सेवा जो डिजिटल शिक्षा है उसके प्रति भी आपकी जो है जागरूकता बढ़ेगी। अब इसके मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। जो राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि राजस्थान में अगर आप हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जन आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका शिक्षा का स्तर, जो भी इस योजना का आवेदन करे स्टूडेंट उसका शिक्षा का स्तर अपडेट होना चाहिए, उसके बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट होनी चाहिए, उसका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और कैटेगरी अपडेट होनी चाहिए। जन आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिस कैंडिडेट के लिए आप आवेदन करेंगे आधार कार्ड होना चाहिए। कक्षा 10वीं 12वीं में पास अंक तालिका होनी चाहिए। अगर आपने 8वीं पास किए तो 8वीं के आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए, 10वीं पास किए तो 10वीं के और 12वीं पास किए तो 12वीं के। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपका 1,00,000 से कम हो वार्षिक आय प्रमाण पत्र देना होगा। पहचान पत्र देना होगा आपको, पहचान पत्र आप माता या पिता का लगा सकते हैं अगर कैंडिडेट का खुद का ना हो तो। राजस्थान राज्य का मूल निवास,
प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा स्वयं का, जिस कैंडिडेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। एक मोबाइल नंबर जो चालू, जिस पर आपको मैसेज और नोटिफिकेशन प्राप्त हो, वो आपको वहाँ पे डालने होंगे। पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी होगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए राजस्थान का, जिस भी कैंडिडेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अगर उसका पहचान पत्र बना हो तो ठीक है, नहीं आप माता पिता का पहचान पत्र लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र लगाना है और आपको अंक तालिका लगानी है जो आप क्लास पास करके आए। ये तो इसमें डॉक्यूमेंट्स हो गए। चलिए और आगे बात कर लेते हैं इस योजना में। देखिए इस योजना में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ लैपटॉप कितने दिए जाते हैं। देखिए आठवीं कक्षा की अपन बात कर ले तो राज्य स्तर पर जो न्यूनतम 73% अंक लेके आते हैं उसमें 6000 लैपटॉप दिए जाते हैं। जिला स्तर पर बात कर लूँ मैं, न्यूनतम 70% अंकों में 3300 प्रति जिले में यानी 100 लैपटॉप दिए जाते हैं। अगर कक्षा 10 की बात कर ले तो वही 6000 दिए जाते हैं। जिला स्तर पर 3300 प्रत्येक जिले के लिए 100 होते हैं। योग त्राण में 100 हो रहा है 9300। ऐसे ही 12वीं कक्षा के लिए भी 6000 है। टोटल आपके जो है 18000 वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक जिले के लिए 100 लैपटॉप जो है दिए जाते हैं जिला स्तर पर 70% अंक के लिए, ठीक है। इस मिला के कुल मिला के अगर बात करें तो 27900 के आसपास जो है लैपटॉप वितरण इस योजना के तहत किए जाते हैं। प्रत्येक जिले के लिए 100 लैपटॉप्स दिए जाते हैं। और बात कर लेते हैं इसमें, अब देखिए इसकी बात आती है कि इसका आप आवेदन कैसे करेंगे, योजना का आवेदन आपको कैसे करना है। राजस्थान मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जिन विद्यार्थियों के 75% अंक है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये आप साइट नोट कर सकते हैं जो कि राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान की शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा साइट को, और जो नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से वो अगर डाला होगा तो मैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और साइट का जो मैं लिंक है जो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फेसबुक पेज पे अपडेट हो जाएगा। दोनों चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए दिया है। तो आपको इस सबसे पहले पोर्टल ओपन करना है, फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम का, वहाँ पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, या आप किसी भी नज़दीकी ई मित्र केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं कि हमें जो है मुफ्त लैपटॉप योजना का फॉर्म भरना है, मेरी 75% या उससे ऊपर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और वहां ई मित्र पे भी आप भरवा सकते हैं। अगर आप खुद में भरेंगे तो मैं साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि जो मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना दी जा रही है सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार देती है, जिनकी भी 75% से ऊपर बनती है उन जो है स्टूडेंट्स को उनको लिया जाता है, मेरिट के हिसाब से उनको लिया जाता है। अलग अलग ज़िले की अलग अलग मेरिट जारी होती है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी जाती है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मैंने तमाम जानकारी दी आपके पास जो है राजस्थान के, आप स्थायी निवासी होनी चाहिए, 75% से आपके ऊपर होना चाहिए, वार्षिक आय जो परिवार की आपकी 1,00,000 से कम होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड जन आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए और जन आधार कार्ड आपका अपडेट हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो उसमें, ठीक है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। फिर भी आपके अगर कोई सवाल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम हैंडल आ रहा है, आप यहां पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई आपके सवाल है तो आप मुझे टेलीग्राम पर सवाल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर जो है मैं नोटिफिकेशन जो भी अपडेट होती है सरकार की तरफ से वहां पर डाल दी जाती है योजना की। आप फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों तमाम जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो आवेदन कर सके। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई धमाकेदार योजना के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए एक अच्छी अच्छी योजनाओं की वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।